सिंदूर लगाने का बड़ा ही सुंदर नियम बताया गया है। हर सौभाग्यवती नारी को, हर विवाहिता महिला को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। सिंदूर का की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन शास्त्रों में किया गया है। कहा जाता है कि जो नारी अपनी मांग में सिंदूर धारण करती है वह सदा खुशहाल रहती है। लेकिन वह सिंदूर सदैव अपने पैसों से खरीद कर ही लगाना चाहिए। या आपके पति आपके लिए सिंदूर लेकर आए तो यह और भी शुभ माना जाता है। कभी भी किसी दूसरे का सिंदूर यूज़ नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम शादी विवाह में जाते हैं तो सभी लेडीज़ क्या करती है कि एक ही डब्बी से सिंदूर लगाती है। यह बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सिंदूर हमेशा खुद के पैसों से खरीद कर ही लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने के और भी नियमों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। जैसे उठते ही तुरंत सिंदूर मत लगाइए। जब आप सोकर के उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर ही मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रखें, जब आप सिंदूर लगाएं तो सिंदूर लगाते समय अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माँ पार्वती का ध्यान करें। ऐसा कहा जाता है कि जो नारी अपनी मांग में सिंदूर लगाते समय माँ पार्वती का ध्यान करती है, माँ पार्वती हर पल हर क्षण उसके सुहाग की रक्षा करती है और उसे और उस महिला को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती है। सिंदूर की डब्बी को कहाँ रखना चाहिए? सिंदूर की डब्बी को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर किसी की दृष्टि ना पड़े या जो जगह बच्चों की पहुँच से दूर हो, क्योंकि सिंदूर का गिरना शुभ नहीं माना जाता। अगर कभी ऐसा हो कि आपसे सिंदूर गिर जाए तो कभी भी उस गिरे हुए सिंदूर को उठाकर नहीं लगाना चाहिए। इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो अकेले में आप अपनी मांग भरें। सबके सामने या किसी के भी सामने बैठकर कभी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा हो कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं तो आपको हमेशा सिर पर पल्लू डालकर ही मांग में सिंदूर भरना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि नारियां सिंदूर लगाती हैं तो टेढ़ी मांग निकाली है तो टेढ़ी ही सिंदूर लगा लेती है। यह अच्छा नहीं होता। सदैव नारी को अगर सिंदूर लगाना है तो सीधी मांग में ही सिंदूर धारण करना चाहिए। सिंदूर की डब्बी में यह एक चीज़ अवश्य मिलाएं। पहले आप माता पार्वती को सिंदूर अर्पण करें और वह माता पार्वती को अर्पण किया हुआ सिंदूर माता के चरणों से उठाकर अपने सिंदूरदानी में अपनी डब्बी में भर लें। और ऐसा कहा जाता है कि जो नारी रोज़ वह सिंदूर धारण करती है वह नारी सदा सौभाग्यवती रहती है। इसलिए यह काम ज़रूर करना चाहिए। एक और बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, सिंदूर आप धारण करते हैं, लगाते हैं, सदैव सूखा सिंदूर ही लगाना चाहिए। लिक्विड या गीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर को हमेशा लकड़ी या चांदी की डब्बी में ही भर कर रखना चाहिए।